खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां शिक्षक ने लगाया तथाकथित पत्रकार पर शोषण व छेड़खानी में फंसाने का आरोप। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां शिक्षक के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार, दिया गया छेड़खानी और अनुसूचित जाति एक्ट में फंसाने की धमकी। शिक्षक ने डीएम, कमिश्नर, गवर्नर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से किया न्याय दिलाने की अपील। देखिए कंट्री इंचार्ज पोर्टल सुजीत कुमार मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नरेट हो गया है और लाइन ऑर्डर की बात पुलिस चढ़ भर के बोलती है, शांति की बात बोलती है, अपराध को खत्म करने की बात बोलती है। यह आराजी लाइन सेवापुर विधानसभा राजा तालाब थाना राजा तालाब दिखा दीजिएगा, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी लिखा हुआ है। अपराध को खत्म करने की बात पुलिस चढ़ बढ़ के बोलती है, प्रशासन चढ़ बढ़ के बोलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो वाराणसी है, यह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संसदीय क्षेत्र भी है। एक तरोताज़ा घटना दिल को दहला देने वाली है, रूह को कपा देने वाली है, मानवता को झंझोर देने वाली है। घटना भी हुआ है, एक मास्टर टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं, उन्हें लोगों ने मारा पीटा है। मारने पीटने के बाद जैसा मास्टर का कहना है, मास्टर के लोगों का कहना है, उन्हें छेड़खानी के मैटर में फंसाया भी जा रहा है। तो हम मास्टर की जुबानी, हिंदुस्तान की कहानी, एक अपराध की कहानी, अपराध गढ़ने वालों की कहानी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ने वालों की कहानी, हम मास्टर की जुबानी हम अपने हिंदुस्तान के दर्शकों और लोगों को बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या था, तेज आवाज में बोलिए। सर मेरा नाम घनश्याम है, मैं सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय दीपापुर आराजी लाइन वाराणसी पर कार्यरत हूँ। अच्छा घटना क्या है, आज का क्या घटना है, आज मतलब क्या आपके साथ घटना हुआ है? आज की घटना है कि मैं 7:45 के बाद लगभग विद्यालय जा रहा था समय से, और जो विद्यालय जाने के लिए जो मोड़ है, मैं मोड़ के पास पहुँचा, वहाँ पर एक महिला मेरे सामने आई, गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और बोली कि आपने क्या किया है। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है, नहीं आप स्कूल पर आइए। क्या नहीं नहीं बस यहीं पर आइए। और वह अपने किसी को फ़ोन करने के लिए बोलने लगी और मैं जब नहीं, महिला के पति का क्या, महिला के पति का नाम मैं उस महिला को पहचानते नहीं, तो बाद में जब ये लोग आए थाने पर तो पता चला कि उनके महिला के पति का नाम शिवपूजन गौड़ है। अच्छा तो शिवपूजन गौड़ ने क्या किया आपके साथ? शिवपूजन गौड़ ने जो है, जो महिला जब उनकी पत्नी बुलाई तो शिवपूजन गौड़ आए और हमको बाइक पर से धक्का दिए और कहें कि इसके ऊपर लेट जाओ, मैं इसको छेड़खानी में फंसाऊंगा या CST का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। नहीं आपसे कोई पहले रंजिश थी, कोई झगड़ा फसाद था, कुछ कहा सुनी हुआ था या किसी बात को लेकर विवाद हुआ था? जी सर नहीं, मेरे कोई विवाद नहीं हुई थी। बात 9 तारीख की है, शिव पूजन गौड़ लगभग 9 बजे विद्यालय आते हैं और वहाँ पर गेट की कुंडी लगी हुई थी, शायद किसी बच्चे ने लगा दिया हो। नहीं, शिवपूजन गौड़ विद्यालय में किसी पद पर है क्या? नहीं, शिवपूजन गौड़ विद्यालय में किसी पद पर नहीं है, न ही उनका बच्चा प्राथमिक विद्यालय दीपापुर आराजी लाइन में नामांकित नहीं है। तो ऐसा क्यों घटना घटा, क्यों शिवपूजन आपसे झगड़ा फसाद करने को आमादा हुए? शिवपूजन गौड़ जो है अपने को पत्रकार मानते हैं, इसके पहले भी विद्यालय में कई बार जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश किए हैं। ये ग्राम प्रधान के बहुत खास हैं और ब्लैकमेल में क्या किया शिवपूजन गौड़ ने? शिवपूजन गौड़ ने ब्लैकमेल में हम लोगों को कई बार जो है SC ST में फंसाने के लिए और पैसे की डिमांड किए हैं। कई बार है कि आप लोग समय से नहीं आते हैं, जबकि मैं खुद समय से आता हूँ। कई बार उच्च घनश्याम पाल, घनश्याम मास्टर, दीपापुर में प्राथमिक विद्यालय में टीचर, इनका कहना है कि शैलेंद्र गौड़, नहीं शैलेंद्र गौड़ नहीं है, शिवपूजन गौड़। अच्छा नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं रहा हमें। शिवपूजन गौड़ हैं जो मन बढ़ू किस्म के आदमी हैं, अनुसूचित जाति से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन पैसे का डिमांड टीचरों से, अध्यापकों से और विद्यालय के लोगों से करते रहते हैं। पैसा न देने पर अनुसूचित जाति एक्ट में फंसाने, महिला की छेड़खानी में फंसाने, महिला के छेड़खानी में भी फंसाने के लिए धमकी देते हैं। जी महिला की छेड़खानी, इसके पहले भी लोग जो है गांव के प्रधान उनसे मिले हुए हैं, इसके पहले भी मुझे मई में जो है हमारे साथ SC ST का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किए थे,
लेकिन वो भी झूठी थी, उसकी भी हमने सूचना पहले ही पुलिस को दे दी थी और आज की भी सूचना मैंने पुलिस को पहले ही दे दी, लेकिन पुलिस ने हमारे एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, पहले जो फंसाने का इन्होंने प्रयास किया था उसका प्रार्थना पत्र कहाँ पड़ा था शिव पूजन का? शिव पूजन के खिलाफ मैंने थाने पर जो है 9 तारीख के डेट में हम सभी शिक्षकों ने आकर के यहाँ पर जो लोग भी प्रभारी रूप में 9 तारीख मैंने कौन सा 9 महीना कौन सा था महीना 9 सितंबर इसी महीने में 9 सितंबर इसी महीने में 9 सितंबर की घटना है और हम लोगों ने आके थाने अच्छा, आज मतलब 9 सितंबर की घटना में मास्टर साहब उनके खिलाफ उनकी जब वो एसटीएससी एक्ट में जो है फंसाने का प्रयास किए तो लामबंद होकर के टीचर लोग आए तो वो पीछे हट गए, लेकिन आज की क्या घटना आज जो है कि हमारे साथ मारपीट किए, दौड़ाए जो है और हमको जो है कि गिराए, रोड पर गिराए, मेरा बैग वैग छीनने की कोशिश की, उसके बाद अपनी पत्नी को कहे कि इसके ऊपर लौटो और उसकी पत्नी जो हमारे ऊपर लौटने का प्रयास की, मैं तो बहुत भागा भी। दुर्भाग्य की बात है, बनारस कमिश्नरेट हो गया है, दुर्भाग्य की बात है कि एसटीएससी एक्ट में 9 तारीख को फंसाने का काम करते हैं और आज जो है दीपापुर में आज 12 तारीख को लगभग टाइम क्या था? मैं 7:45 से 50 के बीच का टाइमिंग था। 7:45 और 8 बजे के आसपास का टाइमिंग है। शिव पूजन गौर घनश्याम मास्टर को फंसाते हैं, अरे मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद अपने महिला को कहते हैं लौट जाओ और महिला को थाने के माध्यम से छेड़खाने का मुकदमा लिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप हिंदुस्तान आप जो है वाराणसी प्रशासन, वाराणसी डीएम, वाराणसी पुलिस कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के गृह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस जिले के सांसद नरेंद्र मोदी जी, अरे इस जिले के सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आप क्या अपील करना चाहेंगे मास्टर साहब? मैं अपील करना चाहूँगा कि मुझे न्याय मिले। मैंने कई बार जो है इसके पहले भी दे चुका हूँ कि मुझे वहाँ से हटा दिया जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएँ गड़बड़ हैं और मुझे कभी भी फंसा सकते हैं और मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, न्याय की आस में है। कपड़ा फट गया है, करा रहा है मास्टर, प्राथमिक विद्यालय का टीचर करा रहा है और न्याय के लिए पुकार रहा है। सच्चाई हिंदुस्तान का प्रशासन और हिंदुस्तान का शासन देख ले, इन्हें शिव पूजन गौर द्वारा अनुसूचित जाति एक्ट और महिला एक्ट में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह आवाज़ इस ज़िले के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी, इस जिले के डीएम तक जाती हो, इस प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ तक जाती हो, इस प्रदेश के गवर्नर राज आनंदीबेन पटेल तक जाती हो और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह तक जाती हो।